ओए, ओ भाई, ये देखो, ये वही चीज है, वही शख्स है ये। कौन है वो? कौन हो आप? ओ भाई, ये आवाज एंड वो शख्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, और एक ऐसे ग्रेवयार्ड में जो काफी हॉन्टेड माना जाता है। उस ग्रेवयार्ड के बारे में बात करने से पहले बात करना चाहूंगा मैं, हालांकि थंबनेल देखकर आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, दिस मैन, अगर आप नेट पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करते हो तो उस आदमी की तस्वीरें जो कि आपने थंबनेल पर देखी और साइड में मैं लगा देता हूं इस जगह पर, इस आदमी की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस आदमी के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड में लगभग 80% लोगों के सपने में आ चुका है। अगर आपके भी सपने में आया है ये बंदा कभी ना कभी, तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और कहते हैं ये जो शख्स है ये हर किसी के सपने में आया है, और वही सीन मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने सुना था, हो सकता है कि उस इमेजिनेशन के थ्रू ही मेरे सपने में भी रात में ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरे सपने में आया, लेकिन कुछ अजीब तरीके से वो आया। वो एक ऐसे ग्रेवयार्ड में खड़ा था जहां बोला जाता है कि काफी सारी रूहें मौजूद हैं, और वो एक ऐसा ग्रेवयार्ड है जो शायद मैं उस जगह को पहचानता हूं। ठीक है, तो वो चीज है, और उस चीज को लेकर मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना एक बार उस जगह पर जाकर ये देखा जाए कि जो वो शख्स जिस ग्रेवयार्ड में मेरे को वहां नजर आया था, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मेरे को एक ग्रेवयार्ड में वो बंदा खड़ा दिखा था, तो मेरे को लगा कि शायद एक बार चल के देखना चाहिए उस ग्रेवयार्ड में कि क्या चीज है, क्या सच में वहां पर वो बंदा है, उस बंदे की रूह है, या जो भी चीज है वहां जाने के बाद पता चलेगी। फिलहाल मैं उस जगह पहुंच चुका हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ। मैं सोचा ग्रेवयार्ड के अंदर घुसने से पहले एक बार इंट्रो ले लेते हैं, क्योंकि आगे चलने के बाद क्या होगा मेरे को खुद नहीं पता। तो ये चीज है, और मेरे को डर है क्योंकि इस बंदे की रियलिटी नहीं है ये, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट ये बंदा करता ही नहीं था कभी, बट फिर भी ये बंदों के सपने में आता है, हर किसी के, लगभग 80% लोगों के सपने में आ चुका है। ठीक है, तो लगभग आप लोगों को थोड़ी बहुत जो ये स्टोरी है समझ में आ चुकी थी, मेरे सपने में आया, एक जगह खड़ा दिखा है ये ग्रेवयार्ड में, और वो ग्रेवयार्ड को शायद मैं पहचानता हूं, तो मैं उस जगह पर आया हूं। तो चलते हैं, कैमरा उठाता हूं अपना और लाइट उठाता हूं, चलते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर, और थोड़ा सा चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेवयार्ड कैसा है, और अगर वो शख्स मेरे को कहीं नजर आता है या कुछ भी ऐसी मौजूदगी उसकी महसूस होती है तो सब कुछ पता चलेगा अंदर चलने के बाद, जब हम अंदर चलेंगे। फिलहाल तो मैं कैमरा उठाता हूं, और वीडियो अगर आप लोगों ने यहां तक देख लिया तो जाके वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आप लोगों ने विजिट किया है तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस तरह की वीडियो, ऐसी हॉन्टेड जगह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अक्सर लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपको लोगों को हॉन्टेड वीडियो देखना पसंद है तो जाके अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर, इंट्रो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हर एक चीज आप लोगों को दिखाने की, हर एक चीज पे जो भी कुछ हमको नजर आता है वो चीज आप लोगों को दिखाने की। तो उठाता हूँ कैमरा, थोड़ा घबराया हूँ इस वजह से बातें क्लियर बोल नहीं पा रहा हूँ, या समझ लो कि डर की वजह से मैं चीजें को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो चलते हैं ग्रेवयार्ड में। तो दोस्तों, मैं ग्रेवयार्ड के अंदर आ चुका हूँ, और ये रास्ता है एक प्रॉपर गाड़ी आने का, और दूर दूर आपको लाइटें दिख रही हैं, तो वो गांव का माहौल है जो काफ़ी दूर है यहाँ से, और इसको ओल्ड ग्रेवयार्ड बोला जाता है। और अगर मैं इस तरफ में अगर आप लोगों को आकर दिखाता हूँ ना, तो ये देखो, यहाँ पर ग्रेवयार्ड में, यहाँ पर वो देखो पीछे की तरफ में अगर आप लोगों को दिख रहा हूँ ना, तो वहाँ पर दफन किया गया है लोगों को, और ठीक इसी जगह पर वो शख्स मेरे को खड़ा हुआ नज़र आया था जब वो मेरे सपने में आया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे खतरा होता है उन चीज़ों का जो हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, चोर लुटेरे छीना झपटी करने वाले, इन सब लोगों का खतरा है। और यहाँ पर ये एक चीज़ क्या है, एक कपड़ा कोई है यहाँ पर गिरा हुआ है, और इस तरफ में ग्रेवयार्ड है। धीरे धीरे, मतलब यहाँ पर अब
मैं लाइट को थोड़ी तेज करता हूँ, एक बार देखता हूँ। बहुत लाइट बहुत तेज नहीं हो पा रही है, बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। थोड़ा सा डर है यार दोस्तों, क्योंकि ना इस तरह से किसी भी ग्रेवयार्ड में मैं अकेले आया नहीं हूँ, और इस ग्रेवयार्ड को पहले लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब इस जगह को लोगों ने यूज़ करना कर दिया है बंद, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर उनको दिन में भी कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखाई दी थी जब वो लोग यहाँ पर आते थे किसी को दफन करने के लिए। ठीक है, तो इस ग्रेवयार्ड में मैं खड़ा हूँ उस शख्स को लेकर जो बोलते हैं कि दिस मैन हर किसी के सपने में लगभग कभी ना कभी वो आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ग्रेवयार्ड में रात में 1 बजे खड़ा होना बहुत रिस्की बात है भाई। आप इस तरह की गलती कभी अपनी रियल लाइफ में कभी मत करना, ठीक है। और मैं कैमरा सामने की तरफ करता हूँ, क्योंकि जब लाइट आँखों पर पड़ती है ना तो चीज़ें फिर दूसरी तरफ देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस तरफ शायद ये डंग वगैरह है, गाय वगैरह का, भैंसों वगैरह का, इनका डंग है, तो लोगों ने यहाँ पर लाकर डाल दिया, क्योंकि इस ग्रेवयार्ड को अब लोग यूज़ नहीं करते हैं। और लाइट पता नहीं क्यों तेज नहीं हो रही है, हालांकि ये मेरी फुल्ली चार्ज थी, उसके बावजूद भी ये पूरी तेज़ नहीं जल पा रही है। ये काफ़ी पुराना है, और जब पहले लोग यहाँ पर आते थे ना अपने प्रियजनों को यहाँ पर दफन करने के लिए, तो उन लोगों का कहना है कि उनको दिन में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी मौजूद होती महसूस होती थी, जिसकी वजह से लोगों ने फिर इस ग्रेवयार्ड को यूज़ करना कर दिया है बंद। अब ये नॉर्मल एक पार्क जैसा दिखता है, लेकिन साइड में कब्रें हैं, कम से कम 20-30 कब्रें हैं। और वो जो शख्स जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस मैन, वो मेरे को ठीक पीछे की तरफ कब्रों की तरफ में, मैं दिखा देता हूँ उस तरफ में। फोकस, अरे यार फोकस, ये पता नहीं मेरा कैमरा जब लास्ट टाइम गिरा था ना उसके बाद से इसने फोकस करना कर दिया है बंद। और इस जगह पे वहाँ पर वो शख्स मेरे को खड़ा नज़र आया था, और पता नहीं क्यों इस जगह पर आते ही ना एक मन में अजीब सी घबराहट है कि पता नहीं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और उस तरफ में देखो, यह खाई से उस तरफ में दिख रही है ना, खाई सी, खाई नहीं है, उस तरफ में खेत वगैरह है। इसको थोड़ा ऊंचा बनाया गया है इस ग्रेवयार्ड को, तो एक बार मैं पूरा इस जगह को घूम के देखना चाहूँगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ ना कि इस जगह पर आते ही एक अजीब सी फीलिंग है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ में चलूँ ना, तो इस तरफ में लोगों ने क्या किया है कि गोबर का शिट, यार लाइट बंद हो गई, मैं दूसरी टॉर्च लाइट लेता हूँ। तो मैंने अभी टॉर्च ली है और टॉर्च से ही अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर आते ही दोस्तों, और कहा जाता है ना कि ऐसी जगह पर आने के बाद मेरी कैमरे की लाइट भी, अगर मैं अब फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि ये भी कैमरे की बैटरी भी जाने वाली है, और यहाँ पर मेरी बैटरी, लाइट की भी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई आते ही। इससे पहले भी जब मैं आया था तो दूसरी बैटरी थी वो ठीक से चल नहीं रही थी, तो मैंने दोबारा बैटरी चेंज करी, वो क्लिप भी आप लोगों ने देखी होगी स्टार्टिंग में। तो इस जगह पर क्या किया है लोगों ने, ये देखो मैं पास आकर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर लोगों ने गाय का और भैंसों का डंग जो बोलते हैं गोबर, वहाँ पर लाकर फेंका हुआ है। अब इसको कब्रिस्तान के रूप में नहीं, लेकिन एक समझ लो सिर्फ डंग फेंकने के लिए लोग इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। और पीछे की तरफ में वो रह गया है, वो एक मिनट वहाँ पे कोई खड़ा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यार, जूम करता हूँ यार, देखो वहाँ पे ना कोई शख्स खड़ा है यार, पता नहीं कौन है वो, कौन है वो, उसका चेहरा शायद उस तरफ है, और शायद वो कब्र के ऊपर खड़ा है किसी। ओ भाई ये आवाज एंड वो शख्स, एक मिनट मैं थोड़ा पास चलता हूँ यार, वो जो शख्स था अभी यहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चोर वोर हो यार ऐसी जगह पे,
ये नशेबाज जितने होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, वो ऐसी जगह पे छुपे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। ऐसी जगहों पर ना चोर लुटेरे छुपे होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट जगह होती है, क्योंकि डर के मारे कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं है। और अभी कोई शख्स यहाँ पर मेरे को खड़ा हुआ दिखा था, ठीक इस जगह पर वो किसी कब्र के ऊपर खड़ा था, एंड वो अचानक से फिर गायब हो गया। डोंट नो, पता नहीं किस तरफ गया वो। और एक बार मैं चारों तरफ ये कैमरा करता हूँ, कहीं वो दोबारा दिखे तो मेरे को बताना यार, कहीं वो अगर दोबारा नज़र आता है तो। एक मिनट, वो देखो, वहाँ पर यार। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यार, ये तो टॉर्च पकड़ना मुश्किल है। देखो वहाँ पर, ओ भाई ये चीज़ अब वहाँ पर खड़ी है भाई। कोई शख्स है ये, क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये इस तरीके से खड़ा है जैसे वहाँ पर उसको कोई डर ही नहीं लग रहा है। एक बार मैं इसके पास चलने की कोशिश करता हूँ। एक अजीब सी आवाज़ आई थी लास्ट टाइम, तो मैंने कैमरा अपना मूव किया था, लेकिन अब मैं इसके पास चलने की कोशिश करता हूँ। और यार ये तो लाइट हिल रही है बार बार हाथ से। कौन हो आप भाई? ये पता नहीं कौन है। ये देखो वहीं पर खड़ा है ये अभी। यार मेरे को इस जगह पे आते ही बहुत अजीब सा लग रहा था, एंड और यार और कोई तो नहीं है यहाँ पर, मैं एक बार देख लूँ। एक मिनट यार, वो बंदा कहाँ गया? यार ये चीज बहुत अजीब हो रही है गाइज, क्योंकि इस तरह से किसी चीज का दिखना, वो कोई शख्स लग रहा था मेरे से, कोई बंदा जैसा लग रहा था। और यार कैमरा जूम हो रखा है, सॉरी। और इस जगह पे वो यहाँ पर इस जगह पे ठीक इसी जगह पे खड़ा था, और फिर अचानक से गायब हो गया। यार मेरे पास लाइट भी नहीं है बड़ी, और दिक्कत इसी वजह से हो रही है कि एक टॉर्च की वजह मदद से मेरे को चारों तरफ देखना पड़ रहा है, और ये टॉर्च ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो सकती ना, दिक्कत तो ये है यार। ये बहुत अजीब हुआ, वो चीज़ दो बार नज़र आई। अब मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई चोर वगैरह या ऐसी चीज़ हो सकती है। ओ भाई ये आवाज़ कैसी है, वो ये आवाज़ कैसी है यार? कैसी आवाज, इतनी भयानक जैसी आवाज यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छलावा या ऐसी कोई चीज हो जो मेरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश ना कर रही यार, बस वो चीज। और सबसे ज्यादा डर तो मेरे को यार उस चीज से लग रहा है जो वो बंदा दिखाए, जो चोर वगैरह का सबसे ज्यादा खतरा है यार। एक बार मैं थोड़ा सा ना बाहर की तरफ आता हूँ, पीछे की तरफ हटता हूँ यार। यार मैंने एक टॉर्च की मदद से, या आप लोगों को मेरे हाथ में दिख रही होगी, ये देखो एक टॉर्च है, बस इसकी मदद से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आते ही मेरे कैमरे की बैटरी डिस हो गई है, मेरी जो दोनों लाइट थी, जो लाइट की बैटरी थी, वो दोनों ख़त्म हो गई है। और ऐसी जगह पे बोला जाता है जो हॉन्टेड जगह होती है, कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती है ना, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं। और ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, कितनी जगह पर हुआ है कि जाते ही उस जगह पे वो बैटरियां ख़त्म हो जाती है, अचानक से चार पाँच बैटरियां हमारी डिस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है वहाँ उस जगह पर जाते ही। और वो चीज़ इस जगह पर हो रही है। मेरे को नहीं मालूम कि वो शख्स कौन था, कोई चोर था, या सच में कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, या वो सच में कोई दिस मैन, वो जिसके बारे में बता रहा हूँ, क्या ये वही शख्स है? क्योंकि वो ठीक उसी जगह पर खड़ा हुआ मेरे को नज़र आया है, जिस जगह पर वो बंदा रात में सपने में मेरे को नज़र आया था। भाई ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक लग रही है मेरे को। और एक तो ये टॉर्च की मदद से ना वीडियो शूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीज़ें दिख नहीं पा रही है। तो एक बार मैं फिर से देखता हूँ, चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ मेरे को नज़र आती है या नहीं यार। तो भाई मैंने दोबारा से कैमरा बैक करके और टॉर्च की मदद से ही चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से मैं इस ग्रेवयार्ड की तरफ में ही आके खड़ा हुआ था, और काफ़ी यार ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे को। डर सच बताऊँ तो सिर्फ उस चीज़ का लग रहा है। ओ भाई ये आवाज़ देखो यार, ये आवाज़ पता नहीं किस तरफ से आ रही है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँगा कि कोई शख्स भी हो तो पता चले। कौन है यार? देखो जो कोई भी हो सामने आ जाओ।
आप इस तरह से मुझे डराने की कोशिश ना करें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कौन है भाई यहाँ पर? ओ भाई ये कोर आवाज, भाई आवाज ही मेरे को ज्यादा डरा रही है। अगर कोई शख्स है तो इस तरह से तो नहीं डराएगा यार दोस्तों। पता नहीं क्या हो रहा है यार। कौन है यार? जो कोई भी है सामने आ जा भाई। कौन है? ओए, ओ भाई ये देखो, ये वही चीज है, वही शख्स है ये भाई, ये वही शख्स है जो मेरे को पहले दो बार नजर आया है। एंड मैं फिर से जूम करता हूँ यार, ये देखो ये वही शख्स है भाई जो मेरे को पहले नजर आया था। एंड अब ये बैठा हुआ है वहां पर। एंड मेरे को निकलना भी इस तरफ में ही है यार, इस तरफ में। एंड ये अभी वही है। ओ भाई ये आवाज और ये बंदा, एक मिनट, ये बंदा कहाँ गया यार अब? ओ यार ये बंदा कहाँ गया यार? मैं इस जगह से फटाफट निकलता हूँ यार, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं लग रहा मेरे को। ये चीज़ें बहुत खतरनाक लग रही है मेरे को यहाँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो लाइट नहीं है, और दूसरी बात ये बार ये बंदा तीसरी बार मेरे को नज़र आया है, और कहीं ये वही बंदा ना हो जो सपने में आया है और इस तरह से बार बार दिखना आई है। कहीं यार कोई आम इंसान तो नहीं है यार ये। मैं एक बार बाहर निकलता हूँ यार। गाइस मैं ना उस जगह से फटाफट निकल के आ गया। एंड मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देखो मेरी ये एक बैटरी जो कि डिस्चार्ज हो गई है, और मैं अपनी दूसरी बैटरी दिखाता हूँ जो कि वो भी डिस्चार्ज हो चुकी है। उसका मेरे को समझ में नहीं आया कि वहाँ पर आते ही पता नहीं क्या हुआ भाई कि मेरी दोनों बैटरियाँ, ये देखो एक बैटरी ये रही भाई, तीनों बैटरियाँ मेरी यहाँ पर आते ही डिस्चार्ज हो गई। और अगर मैं कैमरे अपना दिखाऊँ ना भाई, तो कैमरा भी दिखा देता हूँ आपके कि इसकी मेरे को कैसी दिख रही है। इसकी भी बैटरी मेरी जा चुकी है इस जगह पर आते ही, घुसते ही। ये देखो मैं यहाँ से दोस्तों, मैं अगर इसे मैं दिखाऊँ ना, आपको ब्लिंक होती हुई रेड लाइट नज़र आ रही होगी। तो इस जगह पर आने के बाद भाई मेरी ये बैटरी भी डिस्चार्ज हुई। मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे आते ही अचानक क्या हुआ है कि इतनी मेरी बैटरियाँ थी सारी डिस्चार्ज हो गई, और उस शख्स का बार बार नज़र आना और गायब होना। भाई कोई चोर वगैरह ये सब तो नहीं था, क्योंकि अगर कोई होता तो वो वहाँ से फटाफट भाग जाता या छुपने की कोशिश करता, या अगर लुटेरे टाइप होते तो मेरे को आके मेरे को हार्म करने की कोशिश करते, मेरे को लूटने की कोशिश करते, या ऐसा कुछ करते। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तीन बार वो चीज़ नज़र आई और काफ़ी भयानक वो आवाज़ें। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरी वो सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद। और मैं उस जगह से फटाफट निकल के आ गया, क्योंकि मेरे पास लाइट भी नहीं थी, सेफ्टी के नाम पे मेरे कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से मैं वहाँ से निकल के आ गया। और भाई दोबारा जाने की तो मेरी अंदर हिम्मत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग बोलते हो कि उस जगह पे दोबारा जाकर वीडियो बनाओ, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और बैटरियाँ और कैमरे की बैटरी भी लेकर और अपनी सेफ्टी के साथ में। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पहली बार और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।